बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे पास है सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है। देखिए रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राइट द होल नंबर स्मॉलर देन 4। चार से जो छोटे हैं वो होल नंबर लिखने हैं हमने। होल नंबर कहते हैं मुकम्मल अदाद को, सी से हम रखिए और डब्ल्यू होती है। देखिए 0 1 2 3 चार से जो कम है वही लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है ड्रा द नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने ड्रा करनी है। देखिए ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, 0 से शुरू होते हैं, 1 5 10 और ये हमारे पास 15। अब वो कहता है कि क्या करो, 1 के ऊपर और फिर 5 पर फिर 10 पर। देखिए ये हमने क्या करने थे, नंबर लाइन के ऊपर शो करने थे। इसका ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 पर क्या पार्ट खुद कर सकते हो। इसके बाद है कहता है यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द गिवन सम। सम इसी तरह फाइंड हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लस करना है माइनस करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखें, हमारे पास कहता है प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ। प्रूव करना है और आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो कम्यूटेटिव लॉ होता है उसमें दो वैल्यूज होती हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 2 + 5 = 5 + 2 जो पहले होता है वो बाद में आ जाता है, जो बाद में होता है वो पहले, 2 वैल्यू होती है। इसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में 3 वैल्यू होती हैं और तीनों के अंदर साइन सेम होता है। जैसे हमारे पास क्या है, 2 + 5 + 3 = 2 + 5 + 3। अगर ब्रैकेट जो है वो स्मॉल ब्रैकेट बाद में है तो ये स्मॉल ब्रैकेट पहले आ जाती है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें जैसे हमारे पास क्या है, 2 × 5 + 3 है इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है इसमें दो साइन आ जाते हैं। देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 × 5 दरमियान में प्लस 2 × 3 ये आ जाता है। देखिए ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए। ये सवाल आप खुद कर सकते हो। इसके बाद है रिव्यू ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज की रिव्यू एक्सरसाइज है। कहता है व्हाट इज नंबर लाइन, नंबर लाइन की डेफिनेशन। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स की डेफिनेशन। Why is 0 is called additive identity, 0 additive identity है, ये सारे आप लोग खुद कर सकते हैं। इसके बाद है filling the blank, कहता है the number dash together with the maximum number given as the whole number, 0 आएगा इसका answer, the number 0 together with the natural number, ठीक है। इसके बाद question number 2 है, कहता है the number that we use for counting object or called natural number, natural number की definition है ये। इसके बाद हमारे पास है 3, कहता है the number that can be divided by 2 or called even number, जो divide 2 से हो जाते हैं वो even number कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास है, कहते हैं टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ डैश नंबर वी यूज द कैपिटल लेटर होल। अभी मैंने कहा है कि जो होल नंबर होते हैं वो W से जाहिर किए जाते हैं। देखिए होल नंबर इधर आएगा। इसके बाद हमारे पास 5 है, कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड अ होल नंबर is always the whole number itself, hence 1 is called the multiply identity. देखिए multiplicative identity भी यही होती है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है टिक correct answer, the number that can be divided by 2 completely are called देखिए the number cannot be divided। देखिए पहले हमने कहा है कि जो divide हो जाते हैं वो even number कहलाते हैं, ये हमने खाली जगह के अंदर देखा था। और ये कहता है जो divide नहीं होते दो से तो वो odd number होते हैं, deep odd, ठीक है deep odd, ठीक है पहले का। इसके बाद हमारे पास है question number 2, कहता है the smallest natural number, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। देखिए नेचुरल नंबर कुदरती अदाद 1 से शुरू होते हैं, 0 2 3 so on, ये हमारे पास क्या है 1 से शुरू होते हैं, 1 इसका आंसर। टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को किस से जाहिर किया जाता है, n से जाहिर किया जाता है। देखिए सी पार्ट जो है वो ठीक है। टू रिप्रेजेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो ये सैंपल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो अगर नीचे लाइन लगाते हैं तो इक्वल टू बन जाता है, जी डी पार्ट इसका ठीक है। इसके बाद हमारे पास है द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। देखिए जब दो होल नंबर को जमा करते हैं तो वो होल नंबर ही कहलाते हैं। देखिए जैसे 0 + 1 = 1 तो 1 क्या है, होल नंबर है। 5 + 3 = 8 तो 8 क्या है, हमारे पास होल नंबर है जी। इसके जो मैंने क्वेश्चन बताए आपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वो आप लोग खुद कर सकते हो जी। थैंक यू।